अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जनाब साबिक चेयरमैन पीपीए जनाब राय मनसब अली खरल साहब। हम उनसे ये जानेंगे कि यहाँ पे आज फिएस्टा फेस्टिवल का जो एक मेला सजा हुआ है, यहाँ पे उनका ये स्टॉल सजाने का क्या मकसद है कि उन्होंने इस स्टॉल सजाने के पीछे उनका क्या मकासद जो है वो कार फरमा है। जी राय साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी। जिस तरह की आपने कहा है कि ये आज का जो फेस्टिवल है, जंग अपना खबरें अखबार और फाइव चैनल की तरफ से ये दो दिन का था, कल से शुरू हुआ है और हमारा इसमें जो पार्टिसिपेशन करने का मकसद यही है कि हमारे अंडा और मुर्गी जो है ना उसकी कंज्यूमर एजुकेशन की जाए, लोगों को बताया जाए कि ये सेफ प्रोटीन है, इसमें किसी किस्म के जो मुख्तलिफ मीडिया पे चीज़ें अक्सर आती रहती हैं, आप लोग देखते हैं कि कोई कह देता है सीरेट इसको लगाए जाते हैं कोई फीड के ऊपर, उस सिलसिले में हमारे अंदर वो स्टार लगा हुआ है। उधर हमारे जो बैठे हुए हैं जो डॉक्टर हजरात हैं वो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें मेरा मतलब बता रहे हैं, तो हमारा इसको इसके ऊपर करने का मकसद यही था कि इसके जो हमारी जो प्रोडक्ट है पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसकी जो प्रोडक्ट है उसके जो खदशात है आवाम के पाए जाते हैं उनको दूर किया जाए, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है। कल से हम इसमें देख रहे हैं कि इस तरह के जो फूड फेस्टिवल हैं वो हमारे पाकिस्तान में होने चाहिए, उनकी बहुत कमी है कि लोगों को जो ये फ्री जो तफरी है ये नहीं मिल रही, और मैं जो ख़बरें और अखबार है और फाइव चैनल है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला काफ़ी लोगों ने विज़िट किया है और आज भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम अंडे उबाल के आपके सामने स्टार लगा हुआ है लोगों को खिला रहे हैं, और ये सारा जो है हमारा इसमें पार्टिसिपेशन करने का ये मकसद था। जी बहुत शुक्रिया राय साहब आपका, और अल्लाह ताला आपको आपके इन नेक मकासद में हमेशा कामयाब करें। जी आमीन, जी आमीन, थैंक यू, शुक्रिया।